আপনাদের নিয়ে যাব এমন একটা জায়গায় যা হয়তো আপনারা এখনো সেভাবে ইউটিউবে দেখেননি। आप मेहमान हो हमारे, आपको चाय तो पीना ही पड़ेगा सर। আমরা চলেছি গুলমার্গের পথে, তবে গুলমার্গ পৌঁছবার আগে দেখা করে নেব এক বিশেষ ব্যক্তির সাথে, যার ক্রিকেটের প্রতিভার জন্য স্বয়ং ক্রিকেটের ভগবান সচিন তেন্ডুলকর তার বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন। আজ আমরাও পৌঁছে যাব, চলুন তাহলে আমার সাথে। একটু কাদার রাস্তা, আমরা চলেছি এক ক্রিকেটারের বাড়ি। আমার ভাই তার সাথে কথা টথা বলে ভদ্রলোক রাজি হয়েছে আমাদের সাথে দেখা করার, আপনাদেরকে সেখানে নিয়ে যাব, চলুন। এই আমরা চলে এসেছি আমির হোসেন লোন, বিখ্যাত ক্রিকেটার, তার বাড়িতে, চলুন সাথে দেখা করাবো। জুতো এখানে খোলালো আমাদেরকে, খুব ভালো ব্যবহার। ওয়েলকাম 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 ওয়েলকাম, হাম সব। হ্যাঁ আজকে আয়েঙ্গে আয়েঙ্গে আয়েঙ্গে, আপ আইয়ে। কাইসা লাগা স্যার পাহলগাম, কাইসা লাগা? বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা। ইয়া পহলে রাখিয়ে, আ স্মল গিফট। কুছ নেই মিলনা থা, আপসে মিল লিয়ে বহুত। কিউ নেই স্যার, কুছ भगवान भी तो आए थे इधर। सर आप क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हम आए आपसे बात की, आप एक बार में राजी हो गए भाई, आपका बड़ा बड़ा ऐसा। तो सर इंसान से भी इक्वल है। हाँ जी, आप थोड़ी क्या होती है, जैसे सज्जन सर उनके पास बॉडी गार्ड होते हैं, ठीक है ना। सेलिब्रिटी एक जब इंसान होता है उसके पीछे नजारे कितने लाखों लोग है ना, तो এত ভালো ব্যবহার দেখা যায় না, কোনো জরুরত নেই। থ্যাংক ইউ। এই হচ্ছে আমির ভাইয়ের ছবি, প্রাইজ পাওয়া, অনেক সার্টিফিকেটস রয়েছে। ভাই ছবি তুলছে। এবার ছোট ভাই, ওকে ওকে ওকে, চল তাহলে আমরা বেরিয়ে। হ্যাঁ চল মেজে বেরো। নেই শুনিয়ে শুনিয়ে, হম হম লোক বাচ্চি আর ইনকি ওয়াইফ গাড়ি মে ব্যাঠে হুয়ে, ठीक है हम निकलते हैं। भैया मेरा नंबर आपके पास है, आप जब भी कोलकाता आओगे आप बैठे नीचे, एक कप दो चाय पियेंगे, बस बैठे आप नीचे बैठे प्रचंड भलो छाड़े ना। और कि छवि देखिए अपने এখানে রুমে ছবি রয়েছে, আমির ভাই ছবি দেখাচ্ছি, বিভিন্ন প্রাইজ পেয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স, এদিকে বিদ্যাশালাস ফর্ম, জিন্দগি লাইফ, প্রচুর ছবি রয়েছে। এদিকে প্যারা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর ডিসেবল টুর্নামেন্টে আমির ভাই ছবি, আমির হোসেন লোন, এখানে সচিন পাজি, সচিন স্যালুট টু দ্য ইনক্রেডিবল স্পিরিট অফ আমির লোন, উইশ ইউ দ্য বেস্ট ইন এভরিথিং ইউ ডু, ওয়াচ ভিডিও। সচিন সাইন করে ব্যাটটা দিয়েছিল, ছবি, দারুণ ব্যবহার, বুঝতে বলেছে। এখানে আবার কম্বল টম্বল দিয়েছে, হিটার নিয়ে এসছে। বারিশ কে কারণ ক্যা হামলোগে প্ল্যানিং ভি খারাপ হো গিয়া ঘুমনে কা, যারা ঘুম নেই পায় পহলগাঁও। হ্যাঁ আপ দেখতে কে গুলমার্গ মে, গুলমার্গ তো বহুত হি আচ্ছা, ওয়াহ তো বারা 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 ভি হে বহুত। ও সোনমার্গ গয়ে কে আবি নাই? নেই উদার সে সোনমার্গ জায়গে, গুলমার্গ সে সোনমার্গ, ফির বাপাস আয়েঙ্গে শ্রীনগর। খুব এনজয় কর রহে হ্যায়। আপ কোলকাতা আয়ে হো কোলকাতা?
कोलकाता तो मैं आया जब मैं बांग्लादेश गया था खेलने के लिए। अच्छा, हमारा सीरीज था वहाँ, तो फिर वहाँ से हमारी जो बंदे थे वहाँ से फिर वो ईडन में नहीं खेले अभी तक। गार्डन्स पे कलकत्ता का जो मैदान है वही था ना। अच्छा, वो कलकत्ता में ही था ना। हाँ, कलकत्ता में तो मैच था ना, ये बांग्लादेश में ढाका में। ये कहाँ है? पर ये कोलकाता में ना, कलकत्ता में है ना। कलकत्ता में मैच था, फिर हम मैं भी, लेकिन वो बांग्लादेश में था सीरीज, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उसमें हम हिस्सा में उसमें हिस्सा लिया था हमने। इधर प्रैक्टिस कहाँ करते हो? बस यहाँ करता हूँ, यहाँ हमारा अपना बना। अच्छा, तो वही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, वो टर्फ है जैसे। okay, okay. वो हमारे, मैंने अपना ही बनाया, बनाया अपने ही वो बनाया वहाँ। okay. उसमें बनाए भी तो बारह पड़ रहे, बना वो भी हम दिखाते हैं आपको। कोई अभी तो थोड़े बारिश भी हो गई ना सर। हम सोचते हैं कि आप श्रीनगर में रहते हो। नहीं, श्रीनगर में मैं रहता हूँ नहीं, मैं यहाँ ही रहता हूँ, ये मुझे अपना ही घर। अच्छा, हाँ, सचिन सर भी यहाँ ही आए थे, फिर बाद में वहाँ हम गए। हमने ख्वाब देखे ना बचपन में जब छोटा था, ये पता नहीं था होगा या न होगा, कब होगा, मतलब ये मैंने उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा आएगा सचिन सर। मतलब जो बचपन के हम देखते थे सचिन सर और वो हमारे घर आएगा एक दिन, मतलब ये उसी वक्त ऊपर वाले ने दस्तखत किया होगा उसी वक्त बचपन में। सही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिसको हम मानते थे। फिर आप लोग एक साथ खेले भी, वो तो सबसे बड़ी बात है, है ना। और बस अजन सर ने यही कहा कि क्रिकेट को और आप मेहनत ज्यादा करना है। प्लेयर जितना बड़ा है वो आदमी भी उतना ही बड़ा है। बहुत बड़ा दिल है उनका, बहुत बड़ा। हमने एक घंटे तक, लगभग एक घंटा 15 मिनट तक मैं सचिन सर के साथ रहा, जब वो आए कश्मीर में, बातें की अच्छी तरीके से, क्रिकेट के बातें, बहुत सारे बातें हुई, डरने के बारे में, कश्मीर के बारे में। तो बहुत अच्छा, क्रिकेट में आपका रुचि आया छोटे से, थोड़ा बहुत पढ़ाई कहाँ से की, थोड़ा बहुत आपके बारे में। मैच था सर, हमारा अपना सोमिल था, जो मेरा पापा का सोमिल था, तो उसमें क्या है कि जैसे काम करते थे मजदूर, वो ऐसे ही हमारा अपना बिजनेस था मेरे पापा का, तो अच्छा। उस वक्त मैं क्रिकेट की तरफ ज़्यादा शौक था हमारा। अच्छा, क्रिकेटर बनूँ, मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। एक तो शौक होता है कि कोई खेल लेता है, फिर बाद में इसको छोड़ ही देता है। हमारा ये था कि सर एक वो ऐसे नशा होता है ना सर, वो हाँ। तो फिर मैं सेकंड में पढ़ता था। अच्छा, तो शायद उस टाइम मेरे ख्याल से संडे था, संडे के दिन था, तो माँ ने कहा कि आप खाना पहुंचाना है भाई को, जो हमारा बड़ा भाई। तो मैंने पहले मना किया था क्योंकि जाना था क्रिकेट खेलने के लिए, संडे थे और छुट्टी का वो था, तो बच्चों के साथ उस वक्त मैच था हमारा, तो मैंने मना किया पहले। तो माँ ने कहा नहीं, खाना पहुंचाना है भाई को। तो मैंने फिर लंच बॉक्स उठा, आरम मिशन पर पहुंचा, और वहां खेलते खेलते फिर जो है हमारा जैकेट फंस गया, क्योंकि मेरे पापा का जो उन्होंने जैकेट लाया था मेरे लिए, तो वो बड़ा जैकेट था। अच्छा, बड़ा जैकेट, वहां बड़ा जैकेट, तो वो मैंने पहना हुआ था, तो वो व्हील में लग गया, और फिर वो ना पूरी हमें घुमा दिया, मतलब जो व्हील होता है चारों जो चक्कर लगाते हैं पूरा, तो उसमें फिर जो है दोनों, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, पूरा जैकेट के साथ ही। फिर उसके बाद जो पैसा था वो भी हमारे ऊपर खर्च हुआ, जो पापा की खेत थी वो भी बेच डाली, तो जो सोम में वो सारा कुछ, फिर उसके बाद जो पैसा था वो मेरे ऊपर खर्च हुआ, फिर जो हमारा बिजनेस था वो भी उसी के वक्त, तो फिर वो हो गया, दब हो गया थोड़ा। फिर वो भी पापा ने वो भी बेच डाला सौ मिल, लेकिन ये था जब घर वापस आए तो बहुत लोगों ने कहा कि अब जो है आपका पैसा, पापा को भी कहा, मेरी मम्मी को कहा कि आपने इसको जहर देकर ही मार देना चाहिए आपने ये। तो फिर ये था कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमारी फैमिली को, और ख़ासकर मैं,
आप लोग कितने भाई थे? कितने भाई सर अभी? हम चार भाई हैं तो और बहन एक बहन है। अच्छा पांच। तो एक भाई को वो दिया, क्या कहते हैं उसको, दूसरे को दिया, कहते हैं ना वो देना किसी को। हाँ, हाँ। तो अभी छोटा भाई और मैं और बड़ा भाई है और एक सिस्टर है। अच्छा जी। आपके मजले हो? हाँ आप मजले भाई हो? नहीं मैं सेकंड 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 मजले मजले तीन। तो फिर हम लोग भी तीन भाई हैं, बड़ा मजला बिल्कुल 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 हम लोग कोई बहन नहीं, हम लोग तीन भाई हैं। अच्छा तीन भाई, चलो बस इसी तरीके से प्यार रहना चाहिए। हाँ बल्कि ये प्यार जो है ना बहुत एक एक नियामत है, ये जो प्यार है एक नियामत है। ऊपर वाले फिर आपका पढ़ाई फिर से आपने शुरू कर दी? फिर पढ़ाई भी की, फिर सारा कुछ करना खुद, और जहाँ भी जाता था तो मतलब एक वो रहता था, स्ट्रगल रहता था। यार मतलब कोई हेल्प भी नहीं करता तो मैं खुद अपने माइंड से सोचता था ना ये मैं खुद करूँ। तो हमारी इतनी मेहनत करनी पड़ी, खासकर बाकी कामों तो आज तो मैं हर कोई काम खुद करता हूँ, ऐसा मुझे कोई आज मुश्किलात तो नहीं आती। लेकिन जो क्रिकेट था वो ना जिनके साथ में खेलता था वो एकदम वो पलट गए यार। फिर मैं उनको सिर्फ वॉचिंग करता था। हाँ। जब क्रिकेट खेलते थे वॉचिंग करता था, ये खेलते हैं तो मैं बस कहते हैं इंजॉय कर रहे वो मैं करता था। फिर लेकिन फिर ये साथ ही हमारे एक घर में टेलीविजन नहीं था तो फिर मैं दूसरे घर में टेलीविजन देखने के लिए गया। तो पता नहीं क्या हुआ, फिर वहाँ सचिन सर उस टाइम खेल रहे, मतलब इतना शौक था कि काश सचिन सर को मैं आज देखूँ। तो फिर उन्होंने जो अपना टीवी ऑफ किया, मतलब हमें ही कहा कि क्योंकि पता नहीं क्या हुआ उस वक्त, तो आज भी दुख है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप यहाँ से निकल जाओ, अपना टीवी ऑफ किया। फिर मैं जैसे ही निकला बाहर तो फिर उन्होंने जो है फिर से अपना टीवी ऑन किया। सचिन सर ही खेल रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, अब मैं देख रहा हूँ कहाँ से देखूँ ये मैच, ऐसे ओवरऑल ऐसे ही देख रहा था कैसे देखूँ क्रिकेट में। तो फिर उनकी मैं पीछे खिड़की थी, आज तो ऐसे खिड़की नहीं थी, पुराने ज़माने की थोड़े उसमें छोटे से शराबी हुआ करते थे। तो फिर उनकी पीछे खिड़की थी, मैं फिर पीछे खिड़की से आया। अब मैं सोच रहा हूँ यार ऐसे ऐसे देखता हूँ मैंने कहाँ से देखूँ, तो छोटा सा सुराग मिल गया छोटा सा। तो फिर वहाँ से जो सचिन सर को मैं वॉच कर रहा था, देख रहा था उस सुराग के बीच में से, तो फिर ऐसे देखता हूँ मैं। तो फिर जैसे ही मैंने सचिन सर, लगभग सचिन सर 99 कुछ आसपास मेरे बैट कर रहे थे। हाँ तो वो जब इनिंग में मैंने देखी पूरा, फिर उसके बाद मैंने ये जहन में आया काश ये क्रिकेट में फिर से खेल पाता। तो ये था कि सोचते क्या कैसे खेलूँ, बैट भी नहीं है क्या करूँ। फिर दादी जी थी, मैंने दादी जी को कहा दादी जी आप गेंद फेंके ना, तो उस टाइम वुड की गेंदे हुआ करती थी वुड की। तो फिर दादी ने गेंद वो वुड की गेंद उठाई और बॉलिंग करने लगी। तो मेरे पास वो बल्ला नहीं था, अब मैं वो सोच रहा हूँ कि बैट मतलब बैट नहीं था, बैट नहीं था तो बिल चलाया, जो यहाँ बिल चलाया मैंने। तो आप मैं सोच रहा हूँ कैसे पकड़ूँ मैं कैसे पकड़ूँ। तो फिर मैं ये आइडिया यहाँ से आया, यहाँ से तो मैंने ऐसे बिल चल पकड़ा क्योंकि वो ठीक तरीके से तो नहीं आता था। तो फिर मैं जहाँ जाती ऐसे गेंद फेंकती थी मैं वहीं जाता था उसको खेलने के लिए। लेकिन फिर ये जो आइडिया आया था हमारा, फिर ये था कि बाहर कैसे खेलूं, मतलब गली में कैसे खेलूं। तो वो एक वो बुरा लगता है, मतलब मैं छोटा था एक बुरा लगता है क्योंकि जब मैं यहाँ खेलूं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो उछालते हैं। लेकिन ये था यार नहीं जिसको जैसे करना है आज मैं खेलूं ऐसे ही। लेकिन फिर बाद में बस इतने मैंने थोड़ी टेक्निक सीखी, फिर उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे पहुँचा पढ़ाई भी मैंने की, और 10+2 फर्स्ट अंडर फर्स्ट ईयर तक मैंने वो डिग्री कॉलेज में
जब मैं पहुंचा तो किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं बस आसपास के कभी कभी खेलता था। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि लेदर को खेलना, तो ये मेरे लिए एक बहुत चैलेंज था लेदर को खेलना। हालांकि हर कोई बल्ला यहाँ पकड़ सकता और खेल सकता, तो फिर ये था कि लेदर को कैसे मैं मैनेज करूँ और कैसे इसको मैं लेदर की गेंद को कैसे मैं खेलूँ। तो ये इसका मैंने नज़रिया से थोड़ा अलग सा वो मोमेंट रहा। तो मेरा ये रहन सहन रहा कि नॉर्मली की तरह, मतलब नॉर्मली की तरह उठना बैठना जैसे जैसे आप आए। तो इसी तरीके से इन्हीं के साथ मेरा क्रिकेट भी रहा, उसमें तेज़ गेंदे स्लो गेंदे, तो स्लो गेंद तो ये तो नाम ही नहीं है, लेकिन ये मैंने समझा ये ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी चलती है तेज़ की तरह, तो ये गेंदबाजी वैसी है। तो फिर मैंने गेंदबाजी भी सीखी, पैर से गेंद पकड़ना। और मैंने सोचा ये कि ये गेंदबाजी जो है मैं करूं, मतलब कैसे क्या करूं। तो इसमें मैंने अलग अलग थोड़ा वो स्टाइल स्टाइल तो ये आप लोग किसी को किसी ने आपको सिखाया नहीं, कोई नहीं, कोच नहीं था नहीं, नहीं, मैं गया, मैं ऐसा नहीं कोई मैं गया। अच्छा। लेकिन ये था कि ये इस तरह का कोई टेक्निक कोई सिखा नहीं पाया, ये हाथों का कमाल था। गया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं गया बोथुम के पास गया, तो बस यही कहा कि नहीं इसमें हाथ चलते हैं, मतलब फुटबॉल वो वगैरह में हर कोई कर सकता था, अल्लाह तआला आर्चरी भी खेल, मतलब आर्चरी भी मैं जैसे तीर कमान वो भी वैसे मैं करता हूँ, उसमें मुझे कोई तो आपके फुटबॉल भी खेलते थे कभी? नहीं नहीं मैं खेलता नहीं, फुटबॉल का आपको अच्छा नहीं लगता था, क्रिकेट ही बेस्ट मुझे ये था, क्रिकेट क्रिकेट का ही आपका ज्यादा प्यार था, क्रिकेट से ज्यादा प्यार। तो वो मैं कर वो तो मेरे लिए इजी, लेकिन सबसे ज्यादा तो क्या वो क्रिकेट, एक जहन होता है आपके लिए जो माइंड में होता है ना, एक ख्वाब है काश मैं भी बनूं, किसी को पायलट बनना है उसका ख्वाब ड्रीम होता है काश मैं पायलट बनूं, तो इसी तरीके हमारा भी था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तो रहा है वो सचिन सर, मतलब इसमें वो था कि अपने माइंड सेट में एक साइड किसी का ड्रीम रहता है काश मैं जो ये बंदा है मैं इसके, ये आपका आइडल होता है, तो आपका ये माइंड सेट होता है काश मैं भी इसी तरीके से बनूं। एकदम तो सही। ये था हमारा और आपका आइडल था सचिन तेंदुलकर, सचिन भी है सचिन सर था, क्योंकि 1999 में उसका फादर का डेथ होने के बाद वो लौटा बॉम्बे, फिर वो पहुंचा सेंचुरी मारा, वही कर सकता है। तो फिर ये हुआ कि फिर मैंने गेंदबाज, हालांकि इसमें मैंने थोड़ा वो पहले मैं ऐसे डालता था, मतलब ऐसे डालता था पैर से, ऐसे डालता था, उसमें मैं लेग स्पिन और ऑफ स्पिन भी डालता था। ओके। जैसे ऐसे फेंकना खड़ा, जैसे मैं थ्रू करता हूँ तो वैसे मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी जो गेंद जाती थी वो नब्बल जाती थी। ओके। मतलब कभी कभार मैच में मेरी गेंद पड़ने के बाद उठती नहीं थी, उठती बाउंस नहीं करता था, वो नीचे जाती थी, तो उसके द्वारा मुझे जो है उसमें नब्बल देते थे, क्योंकि उसमें मैं अपड भी करता था जल्दी से। एक तो उसमें ये हाथ की जो फिंगर होती थी मेरी, ये समझ में नहीं आता था बल्लेबाज को, मतलब ये गेंद पकड़ता है फिर एक ही एक्शन में दूसरा वो डाल देता। तो फिर ये हुआ कि फिर मतलब अपनी जो सोसाइटी होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, मैच कहीं होता तो वो फिर उसको रिजेक्ट कर देते। फिर ये माइंड में आया नहीं ये जो टांग है ये मैं घुमाऊँ भूने करूँ, तो उसके लिए मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी, बहुत फिटनेस चाहिए, बहुत फिटनेस चाहिए। फिर 23 यार्ड पर बॉलिंग करना और गेंद को एक टप्पा सिर्फ वन बन से होना चाहिए बस, दूसरा टप्पा नहीं, तो ये करना तो ये मेरे लिए बहुत एक चैलेंज था। प्रॉपर क्रिकेटर भी लाइन ऑन लेंथ पे डालने में प्रॉब्लम हो जाता है, वो पैड से अब डाल रहे हैं, वो था मेरे लिए, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी, मेरा जो पैर था मेहनत तो जरूर, ये जो था मेहनत, ये पूरा जो हमारा पैर था ये पूरा खराब हो जाता था, पूरा उंगली पूरा ये यहाँ से फिर ये यहाँ से, लेकिन इतना मतलब एक जब मैं हाथ से बॉलिंग कर रहा था तो फिर पैर से करना तो यहाँ से मुझे रोना होता था, क्योंकि बचपन का मुझे याद आता था जब मैं बॉलिंग करता था, तो फिर पैर से करना तो ये ना ये मुझे एक वो
जैसे हमारे जिस्म पे कुछ चुभता है ना फिर वो दर्द हो जाता था, तो वैसे हो जाता था हमारे दिल के ऊपर। लेकिन कहते थे हाथों की लकीर पे मर जाएगा रे, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड आपको मिलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो ये था राजीव गांधी खेल रत्न है वो आपको मिलना चाहिए सर। अवार्ड तो ना, ये वो अवार्ड देने से क्या होता है ना, वो देख कर दूसरे लोग भी आएगा वो सम्मान आपको देते हैं। आपने ये खेला ये खेला ये खेला मेरे लिए सर। मैं कल हमारे जो इरफान पठान सर का वो मैनेजर था, हमने बात की थी सर के साथ, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बोला आमिर आप सोशल मीडिया चलाते। मैंने कहा सर मैं उतना नहीं चलाता हूँ, इसके ऊपर ध्यान मैं देता तो अच्छा फिर किसके। मैंने कहा सर मैं खेल की तरफ ध्यान देता हूँ एकदम सही तो मैंने खेल की तरफ ध्यान देता हूँ, बल्कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहूँ ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना वो खेल है। जब तक मैं जवान हूँ ठीक है ना, तो ये मेरे लिए। तो उस बिना पर सर ने कहा कि बोला अच्छा ये आमदनी मतलब रोजी रोटी कैसी होती है। मैंने कहा सर देखो अभी माता पिता जिंदा है कोई पर जब तक ये ज़िंदगी है देखते हैं ऊपर वाले ने क्या सोचा हुआ हमारे लिए। तो फिर बोला नहीं इस सोशल मीडिया पर एक आजकल जो होता है क्योंकि एक्टिव रहना। तो मैंने कहा सर कोई स्पॉन्सर नहीं मिला अभी तक? नहीं वो मैं बाद में बताऊँगा सर, ये एक लंबी कहानी है। एक कहानी जो कश्मीर में होती है इसमें कहानी से कहानी कहानी से कहानी बनती है सर। कोई भी आसान से वहाँ नहीं पहुँचता ये हम जानते हैं। मैं एक टाइम लगता मतलब, है सब कुछ हाँ हाई और एक टाइम में लगता है। मेरे पास लगभग 4 साल हो गए, हमारे पास किट जो है ना किट वो भी नहीं था मेरे पास 4 साल। इतना मतलब खेलते 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 के मैं हालांकि खेला हर जगह लेकिन किसी को नहीं बताया मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। हाँ जो हमारे बड़े हैं उनको बताया सर ये हमें ये चाहिए। तो ये आपने तो कॉलेज के लिए ये जो प्राइस है मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज अनंत ये तो हर जगह में ऐसा नहीं मैं हर जगह अवार्ड लेता वाला नहीं तो आप क्या कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे? नहीं मैं बिल्कुल खेलता हूँ, मैं हर जगह खेलता हूँ तो नॉर्मली क्या होता है मैं तो खेलता हूँ। तो फिर ये हुआ कि सर लेकिन किसी को मैं बताता नहीं था, बताता था लेकिन बड़ों को बताता जो कि हमारे नहीं है मेरे पास अच्छा सपोर्ट्स लेटर में डालता था। तो फिर क्या होता है मेरे को बहुत पैसा लगता था वहाँ जाने तक। फिर मेरा मतलब मैं आपको बताऊँ रिसेंटली एक स्टोरी, मेरी टर्फ बनानी थी क्रिकेट मतलब अपने खेल के लिए। अच्छा तो जहाँ प्रैक्टिस में करूँ। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में डाला, आज चलता 2024। तो फिर उसके बाद 2021 में जब मैंने लेटर डाला फिर हुआ एक दो साल हो गया, फिर मैं फिर से गया हार के चाकर लगाता था कल आ जा परसों आ जा कल आ जा। तो मैंने सोचा फिर तो ये क्या आप गवर्नमेंट में डाल रहे हो? हाँ गवर्नमेंट जो हमारी सपोर्ट करते हैं क्रिकेट क्रिकेट हाँ जो सब बड़े नाम होते हैं। अच्छा ये उन्हीं के हैं। तो फिर हालांकि मेरे पास एविडेंस ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ पास मौजूद है कि आपने कब से अपने कोशिश करते रहे। तभी मैं कहता हूँ ना सर जब मेरे पास है कुछ तो वरना इस तरीके से नहीं बताता। सही है। फिर ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने पर कुछ नहीं किया फिर मेरे माइंडसेट में आया कितना मैं चक्कर लगाता हूँ। और मुझे श्रीनगर में जाने तक मुझे तो लगभग 300-400 रुपया लगता है। इतने में चक्कर लगाता क्यों ना ही मैं अपना ही जमा करूँ ये जो अपना पैसा ज़ाया हो रहा है मेरा। सही है। तो इतना चक्कर लगा के फिर जो मेरा फीस आता था उसका मैं थोड़ा वो करता था मतलब खेलता था बाहर तो उसका जो फीस मिलता था थोड़ा बहुत तो उसको फिर मैंने जमा किया। फिर यहाँ टर्फ बनाई अपने लिए नहीं जो कि यहाँ के बच्चों जो है बच्चे हैं वो भी खेल पाएंगे वो भी आज वहीं खेलते हैं तो उनके लिए बनाई ताकि ये हमारे जो बच्चे हैं ये आगे तक जाए। ये एक जो हमारा अंदर से रहा ना सर चाहे कोई सपोर्ट ना करे लेकिन अपनी जो मैं कोशिश की वो मैं कंटिन्यू रखी। मैं कहा चलो जो भी
जिसको जो भी बोलना है, जो भी किसी को कुछ नहीं करना है तो, लेकिन आपने जो मेहनत है वो मैंने वो कंटिन्यू किया। आज तो अलहमदिल्ला मेरे पास है किट, ऐसा नहीं, मेरे पास है। एक ने अभी हाल ही में एक बेड भी, हालांकि पूरी किट उन्होंने गिफ्ट दी मेरे, तो इतनी महंगी किट। तो मेरे ख्याल से वो हमारी सपोर्टर्स काउंसिल, मतलब जो हमारी सपोर्टर्स काउंसिल है वो भी उतना नहीं कर सकी मेरे ख्याल से, जितना वो एक आदमी ने हमारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाया ये था। लेकिन जो एक शौक था वो मेरे, मैंने ज़िंदगी में मतलब छोने कहते हैं हार नहीं मानी, तो सही बात है वो है सर। तो आपको जो डिटर्मिनेशन है इसीलिए आप आज जहाँ पे हो आप वहाँ पे हो, ये है सर। नहीं तो कोई भी निराश होकर छोड़ देता सर। ये तो सब इंशाल्लाह पहले ये ऊपर वाले की मर्जी से सब कुछ होता है, आपको और आगे लेकर जाएगा। वो क्यों नहीं आई भाभी जी, वो क्यों नहीं आई? बारिश गिर रहा था ना, बच्ची भी है साथ में। बिस्कुट आप लोग का तो रोजा चल रहा है ना, इसीलिए तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है कैसे खाना खाए। आप चाहे जा, आप हमारे मेहमान हैं, आप मेहमान हो हमारे, आपको चाय तो पीना ही पड़ेगा सर। तो भैया एक चीज है, कलकत्ता आए तो भाई के तो नंबर है आपके पास, जरूर हमसे आप मेरे घर आएगा, रहेंगे हम लोग के साथ, जरूर आऊंगा। ठीक है, कोई नहीं, आप ये रख दीजिए आप, एक से हो जाएगा, एक भी ज्यादा है, हम चाय पी लेंगे। नहीं, हो जाएगा चाय थोड़ा हाथ में दे दीजिए, प्यार से आप लेके आए, थोड़ा दे दीजिए, बस हो गया। थैंक यू भाभी जी, लीजिए सर, मैं बस ले लिया मैंने, चलो हो गया। चाहो तो तू दे दे बस। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन टैलेंट बहुत जबरदस्त है, इतना टैलेंट है सर यहाँ की। अगर हम देखेंगे सर 150 तक जो जिनकी स्पीड है सर, ओके, बराबर ऐसे उमरा मालिक था। हाँ, तो उनका अभी भी अलहमदिल्ला, लेकिन मैं उनकी जब लाइन लेंगे देखता हूँ अल्लाह कसम, तो मतलब इतना टैलेंट मैंने, हालांकि हाल ही शो में एक समय उसमें भी मैंने कहा कि एक टैलेंट जो ज़ाया हो रहा है हमारे कश्मीर में, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनकी ऐसी स्पीड होती है वो अभी भी पड़े हुए, मौका नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा एक दुख की बात है। हमारे कश्मीर में ज़्यादातर क्या चलता है, यहाँ सिफारिश ज़्यादा चलती है, पैसा ज़्यादा चलता है, जिनके पास पैसा होता है वो तो आगे जाते हैं, वो ही आगे जाएंगे और उसका चांस मिलेगा। लोग फैमिली से उनको बेचारों को कोई हेल्प भी नहीं करते, बिल्कुल सर। टैलेंट जो आप ढूंढ के निकालो वो नहीं होता, वो बिल्कुल सब जगह भी नहीं होता भाई। ये तो क्या है कि सर, अब देखिए जिनको मौका मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, ये थोड़ा वो दुख की बात है। जिनके पास हुनर है, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास स्पीड है, वो नहीं है तो सचिन जी को बोला ये बात, अगर वो तो मुंबई इंडियन टीम का भी है तो वो अगर इधर टैलेंट उठा ले ना तो बहुत अच्छा है, वो कर सकता है। और आईपीएल तो है, आईपीएल में मिल सकते ना, और क्योंकि देखो अल्लाह ने मेरे को मौका दिया वहां तक, मतलब सचिन सर के साथ बात करना और टच रहना, ये एक हमारी वो था। वहाँ क्रिकेटर हो, अगले दिन में आप क्या बनोगे, ये जो लड़का लोग इधर भटक रहा है उन लोगों को आप मेन स्ट्रीम में लेकर आओ, वही होगा इनके लिए इंशाल्लाह। जो है ना, मैं सुनता हूँ इनका जो हमारे यहाँ जमीन है पड़ी हुई है, तो देखते हैं गांव वाले उसमें कैसे योगदान करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह। मैं कल भी बात कर रहा था तो इनके लिए जो यहाँ एक स्टेडियम
बनाया जाए, तो वो सोच रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। तो बस ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ हमें उसमें कामयाबी दे। लेकिन इसमें ये कि मैं खुद तो नहीं कि अकेला नहीं, कि इसमें गांव वालों का भी थोड़ा साथ होना चाहिए, मतलब फिर भी हो सकता है क्योंकि गांव वाले के सिग्नेचर भी होने चाहिए। सही है, ऐसा थोड़ी होता है कोई आएगा बनाएगा। तो लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए, बच्चों तो इंशाल्लाह मैंने कल भी बात की है, तो इंशाल्लाह कुछ जरूर रिजल्ट उसमें आएगा। तो मैंने बात की है, तो देखते हैं अभी गांव वालों को कैसे इनसे रिस्पॉन्स मिलेगा, जो हमारे बड़े बड़े यहाँ हैं उनको भी मैं बताऊंगा। तो भैया ना, सचिन के साथ आपका ये जो जुड़ना कैसे हुआ, ये लास्ट? बहुत जबरदस्त सर। तो क्या वो सोशल मीडिया के द्वारा हुआ? एक्चुअली सर 2016 के बीच में हमारा पहला जो, अच्छा तो ये वाला जो पोस्ट है, ये तो ये कब का है? ये तो रिसेंट का है, 2016 का है। ये जो जो आपको जो ये बैग साइन करके दे रहे हैं, 2016 का है। ताजा ताजा जो सचिन सर ने मेरे लिए दो बैट गिफ्ट दिए, एक तो सचिन सर का जो फाउंडेशन है सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन, और दूसरा जो है अपने गांव के लिए एक दिया सिग्नेचर करके। एक तो स्पेशल दिया हमारे लिए, दूसरा गांव के लिए जहां से मैं हूं। कितनी खुशी हमारे गांव के लिए, खुशी की बात है। कोई बात नहीं, सही है। तो मतलब क्रिकेट के भगवान हैं। और उस मैच में ऐसा इंट्रोडक्शन करना हमारा, मतलब बॉम्बे में जो मैच खेले थे, बॉम्बे में जो शायद आपने देखा नहीं मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, वीडियो में देखा था। तो आपका फील्डिंग का एक क्लिपिंग आया था, उसमें देखा था कि आप बाउंड्री के तरफ दौड़ के बॉल को सेव कर रहे हैं। ये तो सर फिटनेस। अच्छा, आपका सुबह का एक थोड़ा सा छोटा सा रूटीन बोलिए, सुबह उठ के आप क्या क्या करते हैं? सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं पहले तो मतलब प्रे करता हूँ सुबह, तो उसके बाद मेरा एक जो होता है चाय, सिंपल सा चाय होता है, जिसमें मैं कुछ वो रोटी नहीं खाता हूँ, सिंपल सा चाय पीता हूँ। अच्छा, सब कुछ बिस्किट बिस्किट कुछ नहीं? नहीं नहीं, कुछ सिंपल सा चाय। अच्छा। उसके बाद मैं जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अच्छा जी सर, यहाँ तो वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ लगभग दो घंटे। अच्छा। दो घंटे के बाद फिर घर आता हूँ, थोड़ा रिलैक्स और घूमना वगैरह ये होता है। फिर उसके बाद बीच में से जैसे कि 3 बजे से टाइम होता है, तो वहाँ से फिर 2 घंटे फिर से होता है हमारा प्रैक्टिस, जो कि मेरे साथ जो यहाँ के बच्चे हैं, जो बड़े हैं, बच्चे में समझूंगा कि तो वो बड़े हैं, वो करते हैं प्रैक्टिस। तो ऐसा रहता है, फिर खाना वाना नॉर्मल, जैसे नॉर्मल की तरह ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा मैं वो करता हूँ कि प्रोटीन ऐसा कुछ ऐसा में। वो मैं अंडे ज्यादा खाता हूँ। अच्छा, अंडा अंडा दूध दूध वगैरह? दूध में नहीं पीता हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो खाता हूँ। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स है। हाँ, ड्राई फ्रूट्स और वो अंडा तो है, ये होता है हमारा। और बाकी एप्पल वो तो है ही, वो सबसे ज्यादा वो बेस्ट है, वो एप्पल खाता हूँ मैं, क्योंकि उसका जो क्या कहते हैं उसका रस कहते हैं उसको, जूस 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 वो रस, सही है, सही है। कश्मीरी में तो हम रस बोलते हैं। हां, रस तो हम भी बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, रस ही रस ही, ये अच्छी बात है कि आप अभी भी वैसे ही हैं। जूस तो इंग्लिश वर्ड हो गया है, तो रस तो है। वो जो है ना, वो उसमें बहुत कैल्शियम होता है। हां हां हां, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये है हमारा। और रात को भी जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठना है इसीलिए। हां, वो तो सुबह वो सर इमरान है। आप निकलेंगे सर? आप यहाँ नहीं बैठेंगे? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। क्यों नहीं सर? वो देखो फोन भी कर रहे हैं वो लोग, वो गाड़ी वेट कर रहा है, फैमिली भी है ना। हम लोग आएंगे, हम लोग आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे, मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज। चलो मैं वहाँ गाड़ी कहाँ रखी, सड़क पर? यहाँ यहाँ सड़क पर। ठीक है, बहुत अच्छा। हम क्या दोनों बैठो, आइए थोड़ी दिलम तो थोड़ी जी राजा, नाइस मीटिंग, बहुत अच्छा लगा। जाने की इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बहुत ड्रीम करते कि हम लोग क्रिकेट खेले। ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था मेरे भाई, तो हुआ नहीं, हम लोग नौकरी में चले गए। आपके मुलाकात होने के बाद लाइफ का जो है ना, वो एक अलग सा इंस्पिरेशन मिला। हाँ, चल के आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, चल के। संगम थोड़ी दूर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, चलिए अच्छा रहिए। জীবনের সাংঘাতিক একটা ভিডিও করলাম, মানে এত ভালো লাগছে, টেনশনে রেকর্ডিং অফ করিয়ে ডাইরেক্ট মোবাইল থেকে তুলেছি, জানি না মানে ভয়েসটি যদি না হয় তোমার খারাপ যাচ্ছে। ব্যবহার দেখুন না করে, উনি যাচ্ছেন আমাদেরকে ছুটতে, ভাবা যায়? মানে এত ভালো মানুষ,
সার্থক হলো, এই কাশ্মীর ট্রিপটা সত্যি সার্থক হলো। আপনাদেরও হয়তো ভিডিওটা দেখে ভালো লাগবে। ওনার সাথে কথা বলে আমরা কিছুই না, আমরা যে আমরা হাঁপিয়ে উঠি জীবনের থেকে, যে এটা করতে পারছি না, ওটা পাচ্ছি না, এটা নেই ওটা নেই, নিজে রেগে যাই যখনই কোনো সময় খারাপ যায়, কাজ করতে পারি না। কিন্তু এনাকে দেখে আমির ভাই সত্যি একটা ইন্সপিরেশন, ভারতের রত্ন, ভারতের রত্নই পাওয়ার যোগ্য ইনি আমির ভাই। আমির ভাইয়ের বাড়ি, আজকে মাঠটা দেখাবো না বৃষ্টির জন্য, বৃষ্টিটা একটু থেমেছে, আমাদের এবার বিঘাত হয়ে বলে একটু দেরি হয়ে গেছে, প্ল্যানিং করে পরে একবার ভাইয়ের কাছে আসতে হবে। ভাইয়ের গল্প এখনো বলছে আমাদেরকে, গল্প না এটা সত্য ঘটনা, কি লাইফের মধ্যে তিনি কাটিয়েছেন সত্যি ভাবা যায় না। সাথে যাচ্ছেন আমাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, সে মেইন রাস্তা। उन्होंने मना की संध्या वो भी आए हमारे पास, तो उसी वक्त मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो हालांकि एड्रेस उन्होंने खुद ही ढूंढ लिया था, तो वो आए और इतना गले लगाया, आमिर भाई यहाँ पे रास्ते पे आपका एक था ना, वो क्रिकेट भी खेले थे ना सचिन यहाँ पे? नहीं, उस साइड पे था, रोड पे एक एक वीडियो आया था, रोड पे आप लोग वीडियो खेल रहे, अभी भी अच्छा खेलता है। पहले चैलेंज दिया ना उनको, हैंडल उल्टा करके, हैंडल उल्टा करके, कितना दम है आउट वो दिखाओ, हैंडल से खेला, हैंडल से, हां हैंडल से खेले थे, वो आया था वीडियो इसका, इंसान बहुत अच्छे हैं इसीलिए तो यहां पे चल के आए। हम लोग फैमिली ट्रिप के लिए आए थे कश्मीर, आपसे मुलाकात करके लगा के, ठीक है आपका बेटा पीछे जो चल रहा है हम लोग के साथ, आपका कितना बच्चे हैं? एक ही है। आपका नाम क्या है? ओके, घर में एक ही है तो पढ़ता है, अभी इनकी छुट्टी है। अच्छा अच्छा, इसका एडमिशन किया सर। अच्छा अच्छा, चौथा कितना उम्र का? 4 साल का सर। 4 साल का, नाम क्या है? इमार। उमर? इमार। इमार इमार, यही है। अच्छा इमार, हाथ मिला लो भाई, इसको हम कलकत्ता लेके जाएंगे, चलो वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। आमिर भाई, आमिर भाई, इमार कब से शुरू होगा इसका ट्रेनिंग? कब से शुरू होगा इसका? तो अभी थोड़ा सा इसकी 4 साल बाद, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सही बात है। বৃষ্টি, হ্যাঁ বৃষ্টি থেমে গেছে, ভদ্রলোক যে যাচ্ছে এটা বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ গাড়ি হামলোক ইয়াহ পে রাখা। नहीं आप एक काम करो, आप यहाँ से आओ, इसको बताएंगे आगे थोड़ा आओ, यहाँ से आप निकलो आसान हो जाएगा। अच्छा, आप रिटर्न हो जाओगे फिर लंबा पड़ेगा। नहीं रिटर्न नहीं आएगा, वो बोला तो लेफ्ट ले लेगा। हाँ ऐसे, हाँ इंस्टा क्या ऑपरेट कौन करता है? आप ही करते हो पूरा इंस्टा? हाँ मैं वो तो ज्यादा चलाता नहीं, लेकिन हाँ इंस्टा पर। लेकिन बात क्या है ना, आपका जो वो इरफान पठान का मैनेजर या जो भी आपने बताया ना कि सोशल मीडिया, वो सच में बात यही है कि आपका ये जो जैसे आपका ये फंडिंग हो गया, ये आप जो कहना चाहते हो स्टेडियम के लिए थोड़ा बहुत तो पचास चाहिए, उसके लिए ना वो सब तो बहुत हेल्प हो जाता है आजकल के जमाने में। क्यों लोगों को तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि आपका आपके पास कितना वो फॉलोअर है? मेरा बहुत, मेरा अभी ज्यादा है यूट्यूब में, ज्यादा है यूट्यूब में, कितना है? ज्यादा नहीं, अभी 3,800 के करीब है। 3,000? हाँ। मोनेटाइज चलता है? नहीं नहीं नहीं, मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी, अभी फ्रेश है। अभी तो नहीं, जैसे ये मेरा जैसे भी घूमने जाता हूँ कभी बनाता हूँ, मगर प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल में नहीं हूँ, मगर मैं करना चाहता हूँ, अब देखते हैं कैसे हुआ। अच्छा तो करेंगे।
ये तो बहुत जबरदस्त है। हाँ फेसबुक में भी वैसे ही है, 4000 के करीब है। ये तो बहुत जबरदस्त है। पेज हाँ पेज है, पेज है, फेसबुक का पेज है। आपका पेज है फेसबुक पे? मेरा पेज भी है, तो पेज भी है, वो भी है, क्या कहते हैं इसको। मैं आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैं फॉलो करके रखता हूँ। कहाँ? इंस्टाग्राम में? नहीं मेरे का, मेरे को रखता है इसमें। ठीक है हाँ हाँ हाँ, ब्लूटूथ है। हाँ वो मुझे बताओ। मैंने कहा सर तो आमिर है उसमें, आप दे रहे देखो, बोला यहाँ पे बहुत आमिर है। খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে ওনার সাথে। এতটা পুরো গলির রাস্তা দিয়ে পুরো আমাদের সাথে উনি ছাড়তে আসলেন, এত ভালো। আমরা তো কেউ না, আমরা ওনাদের সাথে এই যে যোগাযোগ হয়েছে জাস্ট, এতটাই ভালো ব্যবহার ভাবা যায় না। এই ভাষায় কথা বলছে, ভাগ্যবলে আমরা ওর সাথে যোগাযোগ পেয়ে গেছিলাম। বিশেষ কারণে নাম্বারটা আমরা দিতে পারছি না, ঠিক আছে, কিন্তু আপনারা আশীর্বাদ করবেন, ভাই যদি আরও ভালো খেলে। আমির ভাই पूरा बंगाली बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग का तो पूरा जो ऑडियंस है थोड़ा बंगाली है, तो बंगाली में बात कर लीजिए। आप जब बोल दीजिएगा आप सब भालो तो, ये भैया बोल दीजिए आपनारा सबाई भालो तो, फिर से बोलिए भालो तो सबाई, भालो तो सबाई, भालो तो सबाई, हाँ भालो थाकबेन, भालो थाकबेन, भालो दिन वो आएगा नहीं। कोई बात नहीं, आप कलकत्ता आइए, हम लोग को बंगाली फूड आपको खिलाएंगे और बांग्ला भी थोड़ा बहुत सिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आऊँगा जरूर। वाह रहा भाई वाह, चल चल चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गाड़ी वहाँ, इसीलिए वहाँ से आना पड़ा। हाँ हाँ हाँ, अभी बारिश की इसीलिए थोड़ा बहुत ये हो गया, नहीं तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था हम लोग जाने के लिए। हम लोग का थोड़ा बहुत ये जो ट्रिप था ना सफल हो आपसे मिलकर। और आपका ये बड़ा बात है कि आपने हम लोग को तो पहचानते नहीं थे ना, ऐसे ओवर द फोन राजी हो गए मुलाकात करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी बस अगर फोन आता है ना, हम भी थोड़ा हेजिट करते हैं कि अभी जाएं, कौन है भैया बंदा, ये इससे बात करके क्या होगा, आएंगे कि नहीं, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, हम लोग सोचते हैं। मगर आपने, आपका दिल साफ है, इसीलिए आपने विदाउट एनी हेजिटेशन यू एग्री टू मीट अस। दैट्स अ वेरी यूनिक ह्यूमैनिटी यू हैव। इंसान एनी बी इन कश्मीर ऑल्सो, द फर्स्ट टाइम वी इन कश्मीर, बहुत अच्छा लग रहा है बाकी सभी लोगों से मिलके। पीपल यू हैव द वाइब यू हैव, दैट इज द रीजन दिस इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ आप लोगों के लिए। प्रकृति की तो है ही, आप लोग इतने अच्छे हैं इसीलिए ये जन्नत है, ये जन्नत ही है, जन्नत है, इसी जन्नत में तो लोग बसते हैं। होता है सर, ये मेरे बच्चे हैं। हे जी हाय, हे जी अंकल, कैसे आप तो नहीं आए, आना चाहिए। आप कैसे, बोलो बोलो बात करो, नाम बोलो, नाम बोलो, भालो बाशो भालो बाशो तुम्हाके भालो बाशी, आमी तुम्हाके आएगा नहीं, आएगा नहीं, भालो बाशी, भालो बाशी। आ अंकल ने देखो लव कर दिया अंकल को, भाई टाके दीजिए एक चॉकलेट ले लो भैया। हाँ टाटा 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 टाटा, आपके भाई है अंकल, मेरा भाई है कजिन, कजिन कजिन। मैंने उनका क्या नाम दिया मालूम है, ईशान शर्मा। भाई को देख रहे हैं पूरे वैसे ही ना, ईशान शर्मा मिल लिया। नाइस नाइस वी टेकिंग, चलते हैं चलते हैं चलते हैं बाद में, फिर चलते हैं। हां आप भी ख्याल रखना, बाद में मिलेंगे, चलिए आइए बाय। चलिए अब बात करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सी यू सी यू, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, जाओ भैया, बेटा टाटा टाटा, ठीक रहे ना। हाँ बातें होते रहेंगे, तो आप तो फोन का नंबर है, उसके बाद बात करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग, खूब दारुण व्यवहार। আমি রাজ আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল শর্টস মিক্সড ব্যাগ। আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তারই ভিডিও এই চ্যানেলে দিচ্ছি। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, সঙ্গে থাকবেন, ভালোবাসবেন, আপনারা ভালো থাকবেন। এই হচ্ছে ব্যাগ ফ্যাক্টরি, আচ্ছা ইয়ে তোরা ব্যাগ রেডি।